स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन को तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कवर किए ये सब अटोमिक पार्टिकल्स अब स्टूडेंट्स हमने देखना था कि ये एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे लिए एक बहुत फंडामेंटल मेजर इवेंट हिस्टोरिकल इवेंट था जिसने इन चीज़ों को डिफाइन किया जो कि था द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस अब स्टूडेंट्स जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है ये रदर से एसोसिएटेड है रदर के एक्सपेरिमेंट से जो कि उन्होंने कंडक्ट किया नाइनटीन टेन टू नाइनटीन के अंदर बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स बेसिक ऑब्जर्वेशन इसके पीछे यही थी कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लोकेशन ऑफ दीज पार्टिकल वॉज अनसर्टन तो स्टूडेंट्स हुआन एक रेडिएक्टिव मटीरियल लिया रेडिएक्टिव एलिमेंट लिया इन द फॉर्म ऑफ रेडियम और पलोनियम मुखलिफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाए गए और स्टूडेंट्स क्या किया गया कि इसको एक बहुत ही थिक यानी कि पॉइंट डबल जीरो डबल जीरो फोर नैनोमीटर के थिकनेस के फल पर पास आउट कराया गया इसमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशन को यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को अब स्टूडेंट्स उससे कुछ ऑब्जरवेशंस हुई जिनको हम स्टडी करते हैं अब स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल्स मेड टू वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन मेटल फॉयल अब हुआ ये स्टूडेंट्स के थिन मेटल फॉयल से गुजारा उनको और उनके उसके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स उस प्लेट के इर्द गिर्द जो फॉयल था स्क्रीन लगाई गई जो कि थी इन द फॉर्म ऑफ जिंक सल्फाइड और वो क्यों लगाई गई स्टूडेंट्स जो जिंक सल्फाइड है वो एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है यानी कि इस पर जब रेडिएशंस फॉल आउट होती हैं तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है ये चेक करने के लिए कि कितनी डिफ्लेक्शन होती है आपके पास एज अ रिज़ल्ट ऑफ द पैसेज ऑफ रेडियोक्टिव रेडिएशंस फ्रॉम दैट ऑफ रेडियक्टिव मटीरियल ऑन दैट ऑफ फॉयल गोल्ड फॉयल तो स्टूडेंट्स हुआ ये कि कुछ रेडिएशंस ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की यानी कि वो सीधी पास आउट हो गई कुछ ने स्टूडेंट्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो की कुछ ने पार्शल डिफ्लेक्शन शो की मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड फ्यू वर डिफ्लेक्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस रखी गई एक स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्वेशन रखी गई कि एटम का मैस जहाँ कंसनट्रेट है कुछ रेडिएशंस वहाँ से डिफ्लेक्ट हुई बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर और स्टूडेंट्स ये भी ऑब्जर्व किया गया या ये एक हाइपोथेसिस रखी गई कि वो रेडिएशंस जो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई वो उस रीजन में से गुजरी हैं जो एटम के कंसनट्रेट रीजन और इलेक्ट्रॉन या उसके ऑर्बिट्स के इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है उसमें से गुजरी इसलिए वो डिफ़्लेक्ट नहीं हुई और जो पार्शल डिफ्लेक्शन हुई स्टूडेंट्स या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुई वो भी इस वजह से कि जो एटम का सेंट्रली लोकेटेड मैटर है उससे डिफ्लेक्ट हुई अब स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन थी मोस्ट ऑफ़ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट अनडिफ्लेक्टेड अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट वेरियस एंगल्स मच वर डिफ्लेक्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई यहाँ पे वही बात हो गई नो no डिफ्लेक्शन वाली क्यों क्योंकि वो इस रीजन से गुजर रहे हैं जो कि कंसनट्रेटेड मैस मैटर ऑफ या मैस ऑफ एटम और उसकी नेगेटिवली चार्ज एंटिटीज के दरम्यान प्रेजेंट है उसके अलावा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट लार्ज डिफ्लेक्शन कहाँ टर्न बैक कहाँ हुए जहाँ उस मै कंसनट्रेट मैस से कोलाइड किए और न्यूक्लियस कहा गया जो कंसनट्रेटेड मैस है जिधर से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होती है कंक्लूजन स्टूडेंट्स कंक्लूड किया गया कि वो रेडिएशन जो कि टोटली रिफ्लेक्ट बैक होती हैं वो उस सेंट्रली लोकेटेड मैस ऑफ एटम से रिफ्लेक्ट होती हैं उसको न्यूक्लियस कहा गया न्यूक्लियस स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज होता है स्टूडेंट्स प्लेनेटरी और एक्स्ट्रा प्लानिट्री पोर्शंस एटम के डिफ़ाइन किए गए यानी कि स्टूडेंट्स ये कहा गया कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं जबकि न्यूक्लियस के अंदर कंसनट्रेटेड हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी तब कहा गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं जो कि प्लानिट्री मोशन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मोशन पोर्शन के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उसके अलावा स्टूडेंट्स ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं और सेंटीप्यूटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होती है स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी पार्टिकल को सर्कल के अंदर या सर्कुलर मोशन के अंदर फिक्स रखती है उसकी तरफ एट्रैक्टिव रखती है और इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स स्टूडेंट्स वो फोर्स होती है जो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है जो कि एज ए रिजल्ट ऑफ जो कि अट्रैक्शन को सिम्बलाइज कर रही होती है उसके अलावा स्टूडेंट्स ये कहा गया कि न्यूक्लियस एटम का बहुत कंसनट्रेट मैस होता है और ये बहुत कम वॉल्यूम प्रोजेस कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं डिफेक्ट्स की तरफ अब ये मॉडल तो प्रेजेंट किया गया जिसको बहुत ज़्यादा एक्लेमेशन भी मिली एक्रेडेशन भी मिली अक्रॉस द वर्ल्ड लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे पहला डिफेक्ट स्टूडेंट्स ये था कि रदव ने जो मॉडल दिया था एटम का एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ़ हिज़ एक्सपेरिमेंट्स वो ज़्यादातर उन चीज़ों पे चलता था जिन पे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है यानी कि लॉज ऑफ़ मोशन अप्लाई किए जाते थे उनके ऊपर और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई किया जाता था हालांकि अटोमिक लेवल के ऊपर ये लॉज काम नहीं करते उसके अलावा स्टूडेंट्स ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो रेडिएट करता है एनर्जी कॉन्टीन्यूसली स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी हम किसी पार्टिकल के लिए ये वर्ड्स बोलते हैं कि वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी कॉन्टीन्यूसली लूज़ कर रहा है एनर्जी अगर लूज़ कर रहा होता इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग अलॉन्ग या वाइल मूविंग अक्रॉस द न्यूक्लियस अगर वो एनर्जी कॉन्टीन्यूसली रेडिएट कर रहा होता तो वो डेफ़िनेटली फॉल आउट कर जाता विद इन द न्यूक्लियस और एटम का जो स्ट्रक्चर है जिस तरह से हम एटम को देखते हैं वो एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता तो उसकी ये जो चीज़ थी ये भी गलत हो गई उसके अलावा स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्टीन्यूस रेडिएशन ऑफ एनर्जी अगर हम कहते हैं कि एटम ऐसे एग्जिस्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स उसके एनर्जी कॉन्टीन्यूसली रेडिएट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें एक कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा होता है स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे हालांकि आपके पास एटम के लिए फॉर पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है फॉर दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स डिफेक्ट फॉर द रद फॉर द टॉमिक मॉडल अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बोहर ने इन डिफेक्ट्स को एलिमिनेट किया और अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास प्रोटोन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर चार्जेस मैंशन है आपके पास प्रोटोन के ऊपर पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही चार्ज है लेकिन नेगेटिव में हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको रिलेटिव चार्ज प्लस वन और माइनस वन होता है न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है मैस पर किलोग्राम कितना है आपके पास स्टूडेंट्स याद रखेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है मैस अटोमिक मैस यूनिट में अगर देखा जाए तो हम कैसे लिखते हैं वो भी आपके सामने वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन थ्री फॉर दैट ऑफ प्रोटॉन एंड वन पॉइंट जीरो एट सेवन फॉर दैट ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए फाइव पॉइंट फोर एट फाइव इंटू टू पार माइनस फोर और उसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी लोकेशन कहां है ये हमें पता चली एज अ रिजल्ट ऑफ रदा फॉर एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन स्टूडेंट्स न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है आपके पास न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटसाइड न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत अटॉमिक मॉडल और उसकी एप्लीकेशन थैंक यू